क्यों रहती थी वो अनहैप्पी और उसके हस्बैंड के बारे में भी क्वेश्चन आता है बच्चों तो हम पहले जानेंगे कि मैम लोइल थी कौन मैम एन अनहैप्पी लेडी बहुत ही नाखुश महिला थी वो हमेशा नाराज रहती थी शी वाज वेरी प्रिटी बहुत सुंदर थी शी वॉज बोर्न इन पुअर फैमिली ऑफ कलर्क कलर्क की फैमिली में यानी उसके पिताजी भी कलर्क थे एंड मैरिड टू ए पुअर कलर्क और एक पुअर कलर्क से ही उसकी शादी हो गई थी ज्यादा रिच फैमिली में उसकी शादी नहीं हो पाई थी ड्यू टू बिकॉज उनके पास ज्यादा डोवरी नहीं था दहेज नहीं था देने के लिए शी शीर्ष फ्रॉम द पुअर्टी और उसकी सबसे बड़ी बीमारी सबसे बड़ी परेशानी पुअर्टी थी गरीबी थी उसे गरीबी से चिड़ थी हमेशा अमीर दिखना चाहती थी अमीर सपने थे उसके वो चाहती थी कि बहुत ही लग्जीरियस लाइफ वो व्यतीत करे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था इसलिए वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी

ही लाइक द सिंपल फूड उसे बिल्कुल सिंपल खाना पसंद था एंड ही an बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑनेस्ट हस्बैंड था उसने उसके लिए बहुत ही परेशानियां झेली तो अब देखते हैं हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी को स्टोरी में कौन था मैम लोइजल मिस्टर लोयजल को हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद मैम लोइजल की एक दोस्त थी मैम फॉरेस्टियर मैम फॉरेस्टियर जो थी वो बहुत ही रिच लेडी थी और उसको जब भी लोइजल मिलकर आती थी तो लोइजल सारा दिन रोती रहती थी उसकी फॉर्चून को देखकर उसके लक को देखकर उसे लगता था कि मैम फॉरेस्टर कितनी लकी है और मैं कितनी अनलकी हूँ और ये मैम फॉरेस्टर ही थी जिसका उसने नेकलेस उधार लिया था कहाँ जाने के लिए मिस्टर मेक मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के यहाँ पार्टी थी जिसका इनविटेशन मिस्टर मिस्टर को मिला था मिस्टर और वहां और मैम पर गए थे उस पार्टी में जाने के लिए नेकलेस लिया था, उसे रिप्लेस करने के लिए एक नया नेकलेस खरीदते हैं जो छत्तीस फ्रैंक का आता है और जिस कीमत को चुकाने में उन्हें दस साल लग जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से उनकी सारी लाइफ रिउंड हो जाती हैं बहुत मेहनत करती है मैम लोइजल और मैम लोइजल के सारे सपने व्यर्थ हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं अब उसके नखरे भी खत्म हो जाते हैं और एक कॉमन महिला की तरह वो अपनी उम्र से अब दस साल बड़ी लगने लग जाती है बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से क्योंकि मेड हटा देती है बड़ा घर छोड़ देते हैं छोटे से ऊपर अटारी पे रहते हैं कमरे में और इस प्रकार से उनकी लाइफ में काफी चेंजेस आते हैं सारे हाउस होल्ड वर्क वो खुद करने लग जाती है और इस प्रकार से वो काफी बहुत ही उसकी जो सारे सपने थे वो खत्म हो जाते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जी व्यतीत करती है फिर एक दिन जब वो पार्क में घूम रही होती है अपने सारे हफ्ते भर की थकान को मिटाने के लिए तो उसी समय मैम उसे मिलती है जो अपने बच्चे के साथ घूम रही होती है तो उसे बिल्कुल आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है तो मैम लोईजल बताती हैं फिर बड़े गर्व से कि ऐसा आपके कारण ही हुआ है बोला मेरे कारण कैसे बोला आपने जो नेकलेस उधार दिया था वो हमसे खो गया था और हमने उसको रिप्लेस किया उसकी कीमत चुकाने में हमारी यह हालत हो गई बोली माई डियर लॉइजेल, वो नेकलेस तो नकली था काश तो मुझे कन्फेस कर देती और मुझे बता देती कि तुमसे गुम हो गया है तो कोई बात नहीं थी वो सिर्फ पांच सौ फ्रैंक का नेकलेस था तो इस स्टोरी में मैसेज क्या मिला हमें यह स्टोरी हमें हमारे सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस की गई है तो इसका मैसेज है कि वी शुड बी कंटेंट विद वट लाइफ गिवज हमें जो भी जीवन ने दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए वी शुड नॉट फील सैड एंड थिंक द अदर्स आर लकी नॉट मी हमें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए हमें सैड नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे तो लकी हैं और मैं नहीं हूँ वी शुड कीप विद इन आर मीन्स कहते हैं ना अपनी चदर जितनी चदर हो उतने ही पैर पसारो तो वही शिक्षा यहाँ पर राइटर हमें देना चाहता है वो कहता है कि हमें हमेशा अपने हमारे जो मीन्स हैं हमारे जो लिमिट्स हैं उनके अंदर रहना चाहिए बाय नॉट ड्रीमिंग ऑफ लग्जरीज और जो लग्जरीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनके सपने नहीं लेने चाहिए वरना जो मैम लोइल है उसकी तरह है खुद के और अपने परिवार के जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं तो इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है बच्चों आपको ऊपर डिस्कस किए गए दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे